स्वागत है आप सभी का। और जैसे कि आज हम विश्व कैंसर दिवस मना रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कैंसर के बारे में, तो अब हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में कि हमारे भारतवर्ष में कितनी गंभीर समस्या है। आजकल हम देख रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से भी डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आज हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे। अभी मेरे साथ जुड़ रही हैं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजया अग्रवाल। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर विजय, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि सर्वाइकल कैंसर जो है कितनी गंभीर समस्या है हमारे भारतवर्ष में और इसकी डेथ रेट क्या है? सर्वाइकल कैंसर जो बच्चादानी है उसके मुंह का कैंसर है, और इसका हमारे भारत में हर साल लगभग 1.25 लाख के करीब केस पॉजिटिव पाए जाते हैं, जिसमें से 75,000 की मृत्यु हो जाती है। तो यदि डेथ रेट देखा जाए, और यदि सारे फीमेल्स में जितने भी कैंसर्स होते हैं उनमें यदि प्रिवलेंस देखा जाए, तो 6 to 29% ऑफ ऑल कैंसर सर्वाइकल कैंसर रेट है, तो जो कि बहुत बड़ा मेरे ख्याल से नंबर है। तो इसके लिए मतलब सावधानी यदि बरती जाए तो इसको समय से रोकथाम या ना हुआ हो इसके लिए हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जी तो डॉक्टर विजय, अगर हम बात करें लक्षणों की, तो सर्वाइकल कैंसर के किस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं? यदि महावारी के बीच बीच में रक्तस्राव होता है, या बहुत अधिक मात्रा में स्राव होता है, या मीनोपोज के बाद भी किसी फीमेल को रक्तस्राव होता है, तो उसको इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। या लोअर एब्डोमेन में हर समय दर्द बना हुआ है, या यौन संबंधों के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कुछ भी इस तरीके के लक्षण होते हैं तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। जी मैम, सर्वाइकल कैंसर के कारण की बात करें तो इसके होने का कारण क्या है? इसका मेन कारण हमारे इंडिया में यदि इसकी प्रिवलेंस ज़्यादा है, तो इसको यदि देखा जाए तो अर्ली जो मैरिज एज है ये एक बहुत बड़ा, तो मतलब बहुत जल्दी यौन संबंधों के लिए यदि सक्रियता हो जाती है, मतलब सेक्सुअली एक्टिव यदि हो जाते हैं फीमेल्स, तो उनमें रेट्स बढ़ जाते हैं, और या मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने से, या असुरक्षित यौन संबंध बनाने से इसकी, या साफ़ सफाई ना रखा जाए अपने, तो इसके दर ज़्यादा होती है। जी तो मैम, सर्वाइकल कैंसर के लिए जैसे कि अभी इसके लिए वैक्सीनेशन भी है, तो थोड़ा सा वैक्सीनेशन के बारे में भी बताएं। बिल्कुल, इसके लिए वैक्सीन है, HPV वैक्सीन है, जो कि 9 to 14 years की फीमेल्स को यदि मतलब यदि लगाया जाए तो इसकी मतलब होने के संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं बाद में जाके। तो अभी तो सरकार ने भी अभी रिसेंट बजट में ही इसको अनाउंस किया है कि शायद सरकारी उस पर ही मुफ्त में इसका शुरू होगा, जैसे कोविड के लिए हुआ था इस तरीके से, क्योंकि इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है सरकारी उसमें तो। लेकिन अभी भी हमारे प्राइवेट में तो अवेलेबल है ही, पर इसकी दरों को कम करने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है। जी तो मैम, क्या 14 साल की एज के बाद में वे इस वैक्सीनेशन को नहीं लगवा सकते? एक्चुअली उसके बाद उतना इसके इफेक्टिव नहीं है, इसके लिए यही एज मतलब एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले इसका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए तो ये इफेक्टिव है। मैम, अगर सर्वाइकल कैंसर अगर किसी को हो जाता है तो इस कंडीशन में इलाज की क्या रहता है, क्या इलाज इसमें इफेक्टिव है अगर अर्ली स्टेज में अगर पता चल जाए तो? बिल्कुल, पहले तो एक्चुअली इसके लिए अभी हमारी सरकार जागरूक है कि इसको रोका ही जाए, तो उसके लिए एक 35 to 60 years की एज के बीच में एक स्क्रीनिंग, जो कि सब CSC मतलब सरकारी उन पर भी एक किट अवेलेबल है VIA किट के नाम से, जिससे मतलब यदि अर्ली स्टेज पर डायग्नोसिस किया जा सकता है, उसकी स्क्रीनिंग हो सकती है। तो वो एक बार यदि किसी फीमेल की 35+ की एज है तो उसके बाद उसको every 5 years में once in a time, और आपके हर CSC पे हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये अवेलेबल है। तो और उसके बाद हो जाता है तो प्रारंभिक उसमें इसका इलाज बिल्कुल संभव है, तो घबराने वाली वो नहीं है। लेकिन उससे बेटर है कि होने से पहले ही उसकी प्रिकॉशन ले ली जाए, उसको समय समय पर स्क्रीनिंग करा ली जाए, तो वो हमेशा ज़्यादा बेटर होता है। कि मतलब 35 साल की अगर एज हो जाती है किसी महिला की, तो उसके बाद वो अपना रेगुलर 5 साल की एज में उसको 5 साल में एक बार अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करा लेनी चाहिए। और अब ये सब सरकारी उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है स्क्रीनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजया। बस अब चाहूँगी कि अंत में एक कोई मैसेज।
इसके लिए मैसेज यही है, क्योंकि हम अपनी बच्चियों को आगे आने वाले फ्यूचर में एटलीस्ट जिन चीज़ों की हमारे पास सुविधाएं हैं, है ना, तो उसके लिए हम उनको सुरक्षित करें, उनको टाइमली वैक्सीनेशन कराएं, जिनकी वो एज निकल चुकी है 35+ हो चुके हैं वो टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग करा सकें, ताकि अनफॉर्चुनेटली यदि ये बीमारी होती है तो टाइमली उसको इलाज किया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय। तो श्रोता, जागरूक रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।